ये गेम मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इस गेम में हम अपनी खुद की सिटी अपने तरीके से बना सकते हैं। और इस गेम में हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे बस स्टैंड्स, बहुत सारे रोड, बहुत सारे पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर इंक्रीज करा था। अनफॉर्चुनेटली वो गेम हमारा क्रैश हो चुका है और मुझे गेम को फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन में गेम खेला और हमने जितना प्रोग्रेस किया था उतने प्रोग्रेस तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इसके बाद का प्रोग्रेशन हम अभी देखने वाले हैं। और हाँ गाइस, अगर आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। इस वीडियो का लाइक 30 लाइक्स का रखने वाले, बहुत छोटा लाइक है मेगा, इस फटाफट से लाइक जरूर कर लेना। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते अपने गेम प्ले को शुरू करते हैं। सी, हमारी सिटी यहाँ पर लोड हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो अभी भी ट्रैफिक का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। और हमने देख सकते हो यहाँ पर जो एक दो साइड में यहाँ पर बना लिए है और ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमारी सिटी जो है यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है। कुछ चीजों में दिक्कत आ रही है, नो व्हीकल्स यहाँ पर बता रहा है। भाई क्यों बता रहा है नो व्हीकल्स, पता नहीं यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर भी ट्रैफिक हो रहा है। अभी ये ट्रैफिक ओवरकम करने का एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो रोड्स वगैरह क्लीन नहीं है इसकी वजह से, और रोड छोटा है ना इसकी वजह से होगा। और इसको बड़ा कर सकता हूँ मैं, तो एक काम करते है इस रोड को थोड़ा सा बड़ा कर देते, तो यहाँ पर इसको मैं दो वाला रोड बना लेता हूँ जिससे है ना दिक्कत कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर है ना ट्रैफिक कम होता दिख जाएगा आप सब लोगों को। ये देखो बहुत सारे लोग ट्रैफिक में फंस गए थे बिकॉज यहाँ पर जगह ही नहीं थी। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी ना इस रोड को बड़ा कर देते हैं जिससे कि ना यहाँ पर कोई भी टेम्पोज वगैरह या फिर कोई भी चीजें नहीं लग पाएगी। और एक काम करते हैं यहाँ पर और इसका सिग्नल निकाल देता हूँ जिससे यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दो सिटी को बनाया है, एक जो सेक्टर 1 मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया है और एक है मिड टाउन। तो यहाँ पर मिड टाउन यहाँ पर मैंने बनाया है और एक मिड टाउन MIDC बनाई है जहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को डाला था। और हाँ गाइस, यहाँ पर एक चीज बनती है जो कि हमने अभी तक डाला नहीं था। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिटी के हम नाम डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन टूल से यहाँ पर होता है जिसे हम अपनी सिटी को यहाँ पर नाम दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर पार्किंग वगैरह करते हैं ना, कहा गया ये देखो ये जो पार्किंग नहीं यार, वे लोग पार्क नहीं कर रहे लॉल। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग पार्क कर रहे व्हीकल्स और इसके टैक्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हमें टैक्सेस लेने की परमिशन मिल जाती है। और ये क्या है, गेटेड कम्युनिटी रख देते है, हेवी ट्रैफिक बैन कर देते है जिससे ना यहाँ पर ज्यादा है ना लोड नहीं आएगा। स्पीड बम्प्स वगैरह नहीं लड़ेंगे, कंजम्पशन इंजन पावर्स ये इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम कहा गया मिड टाउन, यस मिड टाउन यहाँ पर है, इसके भी एबिलिटीज हम लगा देते हैं। यहाँ पर कोई बस स्टॉप है, ओके बस स्टॉप है यहाँ पर। और नॉट इनफ व्हीकल्स असाइन, मैंने 3 कर रखे हैं यहाँ पर। लोग कितने हैं, अबे लोग ही नहीं यहाँ पर, असाइन व्हीकल ज्यादा है भाई, मुझे कम करना चाहिए। और इसकी प्राइस मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी प्राइस मैंने अभी तक बढ़ाई नहीं शायद से, इसका $40 रखते है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बस स्टॉप का मामला पानी। यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और हमारी इनकम भी आप सब लोग देख सकते हो -2000 या 3000 पे चल रही है, बट रात के समय में इसकी इनकम दुगनी हो जाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइम 5000 पीपल थे, हमारे पास पॉपुलेशन थी 5000 की, अब यहाँ पर पॉपुलेशन हो चुकी है 14000 और लगभग हमारी 15000 यहाँ पर पॉपुलेशन कंप्लीट हो भी जाएगी। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मेरे पास 33 टाइल्स भी अवेलेबल है और 27 प्रोग्रेशन पॉइंट्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर चलते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखो यहाँ पर कुछ चीजों की है, और एक मिनट यहाँ पर भी देख लेता हूँ, एक नजर डाल देते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेस वगैरह होते हैं, इस टैक्सेस को मैंने बढ़ा के रखा है बिकॉज अगर मैं बढ़ा के रखता हूँ तो ये लोग कम आते रहते हैं इसके अंदर। ओके, इंडस्ट्रियल यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 17% यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके चलो, तो अभी एक काम करते हैं, आज के एपिसोड के अंदर हम रेलवे रूट्स वगैरह फिक्स करते हैं। और मैंने अभी जो मेडिकल अनलॉक किया है इसको भी लगाते हैं। इसको प्राइस कितनी है, 1.8 मिलियन भाई साहब। ठीक है, इसको लगाने के लिए जगह नहीं, बट किधर लगाऊं, इधर लगाए क्या, इधर लगाते हैं भाई, इधर तगड़ा लगेगा ये। और यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटलिटी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। काम करते हैं यहाँ पर एक क्लिनिक लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर सेंटर में लगाते हैं जिससे थोड़ा अच्छा भी दिखेगा ये। यहाँ पर लगाते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो चुके हैं, लगभग यहाँ तक लोग खुश हो चुके हैं। ठीक है भाई, ओके तो यहाँ पर इसके अपग्रेड्स भी होते हैं, इसके अपग्रेड्स भी यहाँ पर डाल देते हैं। ट्रूमा सेंटर ही है ना ये, हाँ ट्रूमा से होता है, पता नहीं क्या कुछ तो है। हेलीपैड भी यहाँ पर लगा सकते हैं हम 200K में, चलो हेलीपैड भी लगा दिया हमने।
200 में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी यहाँ पर लगती है। लगा दो भाई, जो भी मिल रहा है सब कुछ लगा देते हैं। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो हमारे पास एक हॉस्पिटल भी आ चुका है, जिससे भाई पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है। तो ये वाली पार्किंग में यहाँ पर लगे तो परफेक्ट लग गए भाई, परफेक्ट। थोड़ी सी भी यहाँ पर यहाँ वहा हुआ नहीं है, तो ये जगह हमारे अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, इस साइड पे चलते हैं, बिकॉज इस साइड में हमारे पास है रेलवे ट्रैक, और इस रेलवे ट्रैक को मुझे यहाँ पर लेके आ जाना है, बिकॉज यहाँ से मैं अपने रेलवे ट्रैक को बिछा सकता हूँ। बाकी मेरे पास थोड़ी जगह है जहाँ से मैं रेलवे ट्रैक को भी इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉइंट से इसको अनलॉक करना पड़ेगा। रेलवे लग ओपन कर लेते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर रेलवे क्या क्या चीजों से बनती है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी है क्या? तो यहाँ पर मैं पहले प्लॉट असाइन करने वाला हूँ, तो हमें प्लॉट चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी चाहिए होगा, तो यहाँ से मैं रेलवे ट्रैक को लेता हूँ और यहाँ से उठा ले जाता हूँ मैं रेलवे ट्रैक को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर जो है पहली बार लिया है, तो यहाँ पर पहले मैं अपने एरिया को थोड़ा बहुत जो है प्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर जो है पहाड़ वहाड़ दिखने को मिल जाएंगे, तो इसको पहले हम सेफ प्लेन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो ग्राइंड करेंगे। सी, हमने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी जमीन को प्लेन कर दिया है। रात होने से पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर जो पॉज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से मुझे लाइन जो लेनी पड़ेगी, और ये लाइन में कैसे लू, बिकॉज यहाँ पर जो है ब्रिज भी है, एक हाईवे भी है। तो एक काम कर ले, थोड़ी यहाँ आके थोड़ी बहुत जमीन में यहाँ से ले लेता हूँ, बिकॉज पता नहीं कब काम आ जाए। तो मुझे बस यहाँ से इसको ऐसे करके लेना है, और बस यहाँ से सिंपली ऊपर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ये कांड बोल रहा है। अरे क्यों, ओह ये हो रहा था यहाँ पर, यस यहाँ पर हो रहा है। एक सेकेंड, तुम बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो, तो इसको हम पहले यहाँ से उठाएंगे। अब आ रहा है, ओके बस गया भाई। ठीक है, एक बार देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। ओहो ठीक है, रास्ते से डायरेक्ट हाईवे से निकल गया, मुझे हाईवे को नीचे में डालना पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत जो इसको एडजस्ट करने के बाद मुझे इसको डाउन पे लेके जाना है। ये डबल लगा लेता, थोड़ा कम ना, कम सही है, यस सही है। और भी डाउन, ये डायरेक्टली अंडरग्राउंड चला जाएगा। ऊपर करते थोड़ा बहुत, और भी ऊपर। चलो मैंने एक लाइन को यहाँ पर, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है यार, अजीब दिख रहा है भाई। ओके, इसको बाद में फिक्स कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर हमें रेलवे ट्रैक लगाना है, और पहले रेलवे ट्रैक लगाने से यहाँ पर मुझे इसको सेंटर देना पड़ेगा। यहाँ से लेकर चलते हैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ेगा। अब करते हैं थोड़ा सा, ओके इतना काफी रहेगा। ओके ये सही हो गया, बाकी यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, इस साइड से इंटरकनेक्ट कर लेता हूँ। और ये वह इसका लाइन दिखाई दे रहा है, अब करते हैं। ओके तो ये इंटरसेक्स हो चुका है, या इस साइड की ट्रेन जो है ना, इस साइड की ट्रेन जो भी आने वाली ट्रेन से ये इस साइड में भी जा सकती है, और यहाँ से आने वाली ट्रेन इस साइड में आ सकती है। मतलब दोनों साइड से ट्रेन में सिटी में आने वाला रास्ता मैंने यहाँ पर जो बना लिया है। रात हो चुकी है अभी, और हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैंने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इजीली मैंने एक रूट बनाया है जहाँ से दोनों साइड से लोग इजीली आ सकते हैं, मतलब दोनों साइड से ट्रेन आ सकती है। पता नहीं यार मेरा कैमरा बंद पड़ गया था। ठीक है, तो अभी ठीक चल रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने ब्रिजिंग वगैरह करी है। बाकी यहाँ पर मुझे अभी भी चीज़ों को यहाँ पर लाना बाकी है। ओके तो यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेलवे यार्ड भी है, इसको मुझे ऐसे करके लगाना चाहिए, मे बी थोड़ा सा आगे तरफ खिसका कर। चलो मैंने यहाँ पर लगा दिया अभी, और अभी इसके पास ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देख सकते हो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो यहाँ से इसको, अबे डबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी बनाते हैं, अब ये सही है। और अभी मुझे इसको बस लिंक करवाना है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं और यहाँ पर इसको लिंक करते हैं इस हाईवे से। चलो अब यहाँ पर जो बिजली भी आ जाएगी, और पानी और बाकी सारी चीज़ें इसको भी प्रोवाइड होती जाएगी। तो लगभग आप देख सकते हो मेरी 8 लेवल भी यहाँ पर जो बहुत जल्द कम्प्लीट होने वाली है। बाकी यहाँ पर मैं आजू बाजू सिटी भी बिल्ड कर सकता हूँ, या फिर मुझे प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए, आप लोग मुझे सजेस्ट जरूर करना। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है रेलवे लाइंस को पहले अटैच कर देते हैं इस यार्ड से। तो हमारा लगभग ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो चुका है, बस इसको थोड़ा बहुत जो है हम रिकवर कर लेंगे। ओके इसके अंदर कोई अच्छा, इसके अंदर अपग्रेड भी होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रैक्स भी होते हैं, और मेंटेनेंस हॉल भी होता है इसके अंदर। बट ये होता है 700 और 12,000 का भी लॉस चल रहा है मुझे, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी चीज़ें यहाँ पर लगाई नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही पहले उनको फिल कर लेते हैं। हमारे पास कुछ हाउसेस की रिक्वायरमेंट्स है, बट मेरे पास कुछ रोड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, पहले बना लेते हैं।
चलो इसको अनलॉक कर लिया है मैंने, और सुबह हो चुकी भाई, सुबह हो गई, फाइनली सुबह हो चुकी है, और हमें अभी जो अपना एयरपोर्ट दिखे, एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट नहीं रेलवे ट्रैक दिखेगा, और ये बहुत भद्दा दिखाई दे रहा है पहली बार, बट ये देखो यहाँ पर मैंने जो इस राउंड को घुमाया बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है यार, पता नहीं इस गैप को कैसे फुलफिल कर पाऊंगा मैं, यहाँ पर दिख जाए बस। ओके ओह हमारा 9 पॉइंट्स हो चुका है, और इस बिल्डिंग से थोड़ी सी शोभा जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। ओके और हमारे पास और एक बिल्डिंग आ चुकी है जो कि है बिजनेस यार्ड, और ये कितना बड़ा है, नाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। चलो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, अरे ऐसा ही लगेगा ये, चलो ऐसा ही लगा देते हैं, बाद में देखा जाएगा, बाकी इसको देखते हैं यार कैसा दिख रहा है ये। अरे कौन सा बिजनेस है यार, ये प्रिंसिपल से, ओके तो यहाँ पर हमारी रेलवे की मेंटेनेंस होगी, और उसके साइड में ही मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, रेलवे लगा दूँ क्या एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म आया जाएगा, और अगर मैं इसको लगाऊँ तो ये डायरेक्टली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारी मेन रूट है, इस मेन रूट को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पर जो थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रॉसिंग पे डाल दिया है, और ये हाईवे एक्चुअली, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से लेके आने वाला हूँ, बिकॉज ये नीचे से चला जाएगा तो ये बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन बनाना है, और इस रेलवे स्टेशन के लिए मेरे पास रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो एक रास्ता अवेलेबल कर देते इसको, तो पहले मैं यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन लगा देता हूँ, देखते पहले यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा ही है, ओके अब सही है, ठीक है तो यहाँ पर लगाते अभी इसको, और शायद से ये सेंटर पे है, लगा दिया मैंने, ठीक है तो अभी मुझे बस इसको रास्ता देना है, तो ये वाला रोड यूज़ करते हैं यहाँ पर, ऐसा क्रॉसिंग कैसे आ गया इसके ऊपर, ओके ये सही से बनाया अभी, और इसको मैं अटैच कर देता हूँ, और खिसकाते यहाँ पर इस रास्ते को यहाँ तक, और इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है अभी मुझे यहाँ पर मेन एक लाइन बिछानी पड़ेगी मे बी इधर से, ओके यहाँ पर थोड़ा सा बेकार सा दिख रहा है एरिया, पता नहीं, ओके ये आउटलाइन लाइन है मेरी, और यहाँ पर हमने सिटी जो बिल्ड कर सकते हैं अभी, बस मुझे यहाँ पर सेंटर से भी एक लाइन लेनी पड़ेगी अभी, ये रास्ता इतना ख़राब क्यों हो रहा है पता नहीं, ठीक है छोटे छोटे रोड्स बना लेते हैं यहाँ पर, पता नहीं भाई यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है चलो कोई ना इसको बाद में देख लूँगा मैं। बाकी यहाँ पर मैं एक इनलेट देता हूँ, और इनलेट कहाँ पर दूँ, इनलेट कहाँ पर दूँ, यहाँ पर एक इनलेट दे देता हूँ जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पर एक आउटलेट दे देता हूँ जहाँ से लोग बाहर आ सकते हैं, अभी फ़िलहाल एक एक ही दे रहा हूँ, बाद में इसको बाद दे दूँगा मैं। ओके तो ये रोड हमारा कनेक्ट हो चुका है, जिसको जाना है डायरेक्टली जा सकता है, और यहाँ पर मैं इसको रेलवे ट्रैक दे देता हूँ जहाँ से हमारी रेलवे लाइंस आ जाएगी, तो दो वाली लाइन से सबके, यस तो एक लाइन में सीधा यहाँ पर देने वाला हूँ इसको, और एक सेकेंड ये देखो ये लाइन लग चुकी है अभी, और यहाँ पर भी सेम, मुझे बस इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है, थोड़ा सा आगे तरफ लेके चलते हैं, और ये वाली लाइन यहाँ पर ही, अब सही है। ओके अब मुझे इस चीज़ को सिटी के अंदर लेके जाना है भाई, बिकॉज अभी भी सिटी के अंदर, और एक मिनट यहाँ पर आग लगी है, ओहो पूरा खाक हो गया भाई घर, और कितने लेवल के थे, 3 लेवल के थे भाई ये, हट यार रेस्ट इन पीस, गार्डन को नहीं छोड़ना भाई, गार्डन यहाँ पर लगा देते हैं टेम्प्ररी, और ओके ये हटाओ, ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये लग जाएगी कोई ना, अपने आप सेट हो जाता है ये रेलवे लाइन। ओके तो यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन लगा सकते हैं, बस मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके तो हमारा रेलवे रूट अच्छी तरीके से बन चुका है, और यहाँ पर एक दिक्कत हो रही थी, बिकॉज हमारा जो ये तीनों का सेंटर है ना एक ही था, अब मुझे इस सेंटर को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा इस रास्ते से, तो सबसे पहला ट्रैक आने वाला है यहाँ पर, और इसका मैं देने वाला हूँ लाल कलर, बिकॉज ये हमारा प्रतीक करता है कि ये डायरेक्टली आउटसाइड से आ रहा है, तो हम पहले सारे आउटसाइड की लाइन जो है कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये लाल कलर कर दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, और ये सीधा जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, ये भी पहले नंबर पे आएगी, और ये सीधा जाएगी यहाँ पर, कहाँ पर जाएगी, नहीं यहाँ पर, सीधा जाने वाली है इस साइड में, और यहाँ से ही रिटर्न लेंगे हम वहाँ पर ही, सेम कहाँ पर भी चेंज नहीं करना है, तो ये हमारी पहली लाइन आ जाएगी, अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आने वाली लाइंस यहाँ पर लगेगी इस साइड में, और ये भी सेम यहाँ पर जाकर यहाँ पर लगेगी,
अभी हमारा सेकेंड पॉइंट बना नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है स्टेबल कर देंगे, अभी आगे में नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंपल लाइन आ जाएगी। ओके, अब ये हमारी पहली लाइन हो चुकी है और इसको मैं चेकआउट भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते आउट वन, तो ये आउट वन आ जाएगी। यहाँ पर असाइन व्हीकल्स कम कर देते हैं और इसके जो प्राइजेज है मैं यहाँ पर 45 रखने वाला हूँ, 50 रखते हैं, बिकॉज हम बाहर से लोग लाने वाले और रेलवे लाइन से, तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्राइजेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड लाइन सेम यहाँ पर ही, यहाँ पर कर दो, यहाँ से शुरू होगी और ये हमारी सेकेंड फर्स्ट लाइन थी और दूसरी लाइन हमारी जाने वाली यहाँ पर, तो यहाँ से लेते हैं और फिर से रिटर्न लेक की चलते हैं और ये सीधा जाने वाली भाई। अरे यहाँ पर जा जाते क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन से हमें काम करना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन यहाँ पर जाएगी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर अटैच नहीं किया शायद से मैंने, ठीक है चलो कोई ना, और यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, कैसे अटैच करते हैं, इस लाइन को भी यहाँ पर अटैच करते हैं और फिर से मुझे आउटसाइड पे जाना पड़ेगा। आउटसाइड पे चलते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर लगा के फिर से रिटर्न हो लेते हैं। तो रिटर्न पे आने पर हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर आनी चाहिए ट्रेन पहले, उसके बाद यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर खत्म, ठीक है। हमारी जो दो लाइन से यहाँ पर चालू हो चुकी है और देख सकते हो गाइस रेलवे लाइन आ भी चुकी है हमारी, देखते हैं इसको पहले चेक करते हैं भाई। ओके, ये फिर से रिवर्स में चली जाएगी बिकॉज आगे में मैंने कोई भी रूट सेट नहीं की है, और अगर मैंने आगे में रूट सेट कर दिया तो वो सीधा यहाँ से भी चली जाएगी, ठीक है। तो हमारी रेलवे लाइन्स चालू हो चुकी है, इसका भी मैं यहाँ पर आउट टू डाल देता हूँ, आउट टू। अभी सुबह में बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी, अभी फिलहाल कम कर देते बिकॉज इसका अभी फिलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी स्टेशन पे यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना ही बाहर से एक ही पैसेंजर आ रहा है, तो इससे ज़्यादा लॉस होगा हमें, इसकी वजह से हम यहाँ पर कम करेंगे। बाकी यहाँ पर चलते हैं सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन मैंने 100 करके रखा है। बाकी यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं, प्रोडक्शन के अंदर वीट का ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है चलो कोई ना, यहाँ पर लगा देते हैं लो रेसिडेंशियल, तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत जो जगह हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर भी लगा देते हैं जगह है तो, यहाँ पर भी लगा दो जगह है तो। देखो यहाँ पर अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो चुकी है ठीक रेलवे स्टेशन के सामने, और ये पॉश एरिया होने वाला है हमारा आगे की तरफ, ठीक है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर और भी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, बट इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर सकते बहुत जल्द, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, तो इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, बाकी यहाँ पर भी लगा देते हैं, थोड़े बहुत जो बिजनेस यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, बाकी यहाँ पर बिजनेस कम से बस मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो बिजनेस, या फिर यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल जोन लगा सकता हूँ। बाकी और किधर है, यहाँ पर भी जगह यार, इस जगह कैसे भूल गया मैं, यहाँ पर ये छोटे वाले हाउसेस लगा देते यार, थोड़ी जगह यहाँ पर भी हमारी बन जाएगी, यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगा देते हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन एरिया आ जाता है यहाँ पर, इसकी वजह से दिक्कत तो हो सकती है, बट ठीक है यहाँ पर भी लगाओ। सो फाइनली सुबह हो चुकी है और अभी जो हमने बनाया है उसको देखने का टाइम आ चुका है। देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, बट ये अबॉन्डेड है, मतलब टूट चुकी है भाई ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए कौन आने वाला है, और इतनी जल्दी में इतना लोगों ने बहुत बड़ा बना लिया यार इसको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है हमारी सिटी के अंदर, पहली इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी भी नहीं है, देख सकते हो अभी तक कोई भी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी हमारी सिटी के अंदर, और ये अभी से इतनी बड़ी बन चुकी थी, पता नहीं इतने इतना बड़ा क्यों बना लिया। और ये अबॉन्डेड भी हो चुकी है, मतलब ये खराब हो चुकी बिल्डिंग। ओके चलो चेकआउट करते हैं और इसको मैं स्लो कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर कोई रेल आ रही है, यहाँ पर कोई भी रेलवे नहीं है अभी फिलहाल, इस साइड में देख लेते हैं इस साइड में कोई रेल है भाई, यहाँ पर कोई भी रेल दिख, अच्छा यहाँ पर है भाई, हमें भी लेके चल। ओके 58 पैसेंजर लेके जा रही है ट्रेन, और देख सकते हो भाई क्या ही सही दिखाई दे रही है, ओह सही है भाई सही है, बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, इसकी स्पीड भी बहुत तगड़ी है। देखो यहाँ पर अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद जो है ना अगले प्लेटफॉर्म की तरफ जाएगी, और लोग भी देखो यहाँ पर भी जा रहे डॉगी के साथ जा रहे भाई, दूसरी ट्रेन भी आ गई, और ये लाल कलर की इसकी वजह से है बिकॉज मैंने यहाँ पर लाल कलर सेट कर दिया था। और अभी देखो यहाँ पर जो है ना कितने पैसेंजर्स है, 83 पैसेंजर्स हो चुके हैं, मतलब बाहर के आने वाले जितने भी लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, देख सकते हो 117 पैसेंजर दूसरी ट्रेन में है,
और यहाँ पर 8 ही पैसेंजर है, यहाँ पर कम है, बट यहाँ पर देख सकते हो 89। जब हमारे पास जो है बहुत ज्यादा भर जाएगी नहीं ट्रेन, तब हम इसको जो है व्हीकल जो है अपग्रेड कर देंगे, मतलब ट्रेन अलॉक कर लेंगे इसके लिए। अब देखो भाई साहब फास्ट फॉरवर्ड में कतई भाई खतरनाक सा लगता है ये, थोड़ा सा है ना ऐसे करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी और ट्रेन, और उसके बाद है ना सीधा भगेगी पूरी तेजी नाल। अब देखो यहाँ पर शुरू होगा ये गेम, अरे दोनों एक साथ, अच्छा मुझे लगा भाई एक्सीडेंट हो जाएगा अभी। चलो इसको भी देखना पड़ेगा, इस रोड को मुझे ऊपर की तरफ सेट करना पड़ेगा। देख सकते हो भाई क्या ही तेजी नाल जा रही है, वैसे मैंने स्पीड बढ़ा के रखी इसकी वजह से तेजी नाल जा रही है। देखो पूरा पुल क्रॉस करके जाएगी भाई सीधा, और ये सीधा बाहर की तरफ जाने वाली ट्रेन है ये, सकते हो भाई क्या ही खतरनाक सा लग रहा है यार सच में देखने में। ये देखो इस साइड में जाने वाली ये प्रॉपर बुलेट प्रो, मतलब बुलेट ट्रेन जैसा फील आ रहा है मुझे इसको देखकर। सही है भाई, और यार मैंने इतना बड़ा बना लिया है ये, देखो ना कितनी तेज नजर आ रही है। सच में ऐसा लग रहा है अगर बुलेट ट्रेन इसके अंदर होती ना तो भाई तगड़ा दिखता और भी, ऐसा लगता है मुझे। तो ये देखो यहाँ से हमारा रास्ता खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये सीधा बाहर की तरफ चली जाएगी, और यहाँ से फिर से एंटर हो जाएगा, और ये हमारी एंड लिमिट है भाई, इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो आज के एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डेवलप कर दी है, हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है 20,000 और ये बढ़ती ही जा रही है, लिटरली इतनी तेजी नाल बढ़ती जा रही है ना, 10-10, 15-15% से बढ़ती जा रही है। और देख सकते भाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमारे पास आ चुके हैं, भाई कितने बड़े बिल्डिंग्स हमने यहाँ पर आज बनाए हैं, मतलब हमने बनाए नहीं एक्चुअली बन चुके हैं। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ गाइस अगर आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।